नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन टेक गुरुकुल में। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा, Oneplus नोड लॉन्च हो गया है। काफ़ी अच्छा फ़ोन है, काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको एक अल्टरनेटिव बताने वाला हूँ Oneplus नोड का, जो कि काफ़ी अच्छा फ़ोन है, ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेसिफिकेशन के साथ आता है और Oneplus से लगभग 7000 प्राइस उसकी कम है। काफ़ी अच्छा फ़ोन है, आप वीडियो को देखते रहिएगा, खुद ही कंपैरिजन में आपको पता चल जाएगा कि इसकी सिमिलर स्पेसिफिकेशन है। और अगर बीच में आप गैस कर पाएँ तो दोस्तों मेरे को बताइएगा कमेंट में कि मैं किस फ़ोन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कंपैरिजन कर लेते हैं डिज़ाइन की। तो Oneplus नोड में आपको ग्लास प्लस जो प्लास्टिक का फ्रेम होता है उसका डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, सेम है जिसमें भी आपको ग्लास प्लस प्लास्टिक के फ्रेम के साथ डिज़ाइन के साथ आता है। तो दोनों की क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है, डिज़ाइन के मामले में भी ऑलमोस्ट सेम है, बस दिखने में थोड़ा बहुत लुक्स में इसकी फ़र्क है। तो उसमें ऑलमोस्ट बाकी सब सिमिलर देखने को मिल जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम इसके कैमरास के बारे में। तो Oneplus नोड में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, जो कि OIS के साथ आता है। उससे क्या होता है, आप नाइट के शॉट्स काफ़ी अच्छे ले सकते हैं और वीडियो काफ़ी स्टेबलाइज आपको देखने को मिल जाती है। बेयरएज जिस फ़ोन की मैं बात कर रहा हूँ उसमें आपको 64 मेगापिक्सल का सैमसंग का GWM वाला सेंसर देखने को मिलता है, GWM वाला सेंसर देखने को मिलता है, जो कि एक काफ़ी बढ़िया सेंसर है। और आपको ऑलमोस्ट जो दोनों की परफॉर्मेंस है ना डे लाइट में, वो सिमिलर देखने को मिल जाती है। इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है कि 64 वाला बड़ा हो गया या फिर 48 वाला बड़ा हो गया, कोई इसमें ऐसा डिफरेंस खास आपको देखने को नहीं मिलता है। सेम सिमिलर पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी दोनों सेंसर के द्वारा। अब बात करें सेकेंडरी सेंसर की, तो Oneplus नोड में आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है अल्ट्रा वाइड, और सेम एज जिस फोन की मैं बात कर रहा हूँ इसमें भी आपको अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल का। आपको 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट सोर्स के लिए कैमरा देखने को मिलता है Oneplus नोड में, और दूसरे फोन में आपको 12 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस मिलता है प्रॉपर, जो कि आपको जूम सोर्स 2x तक आपको सपोर्ट करता है। और दोस्तों इसकी मदद से आप पोर्ट्रेट काफ़ी अच्छे ले सकते हैं, क्योंकि हमेशा से टेलीफोटो लेंस जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे पोर्ट्रेट सोर्स आपको कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों इसके मामले में ये जो आपका दूसरा फ़ोन है काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है इस प्राइस रेंज में, जो कि और किसी फ़ोन में अभी तक देखने को नहीं मिलता है। लास्ट सेंसर की बात करें तो 2 मेगापिक्सल का है, जो कि आपको मैक्रो सोर्स पर कैप्चर कराता है नोड में, और इसमें दोनों सेम ही है, 2-2 मेगापिक्सल के आपको सेंसर देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको मैक्रो सोर्स कैप्चर करने में हेल्प करेंगे। तो ये हो गए चारों कैमरास की बात। अब आप कंपैरिजन देख सकते हैं, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, जिस फोन की मैं बात कर रहा हूँ उसके भी और Oneplus नोट के भी कैमराज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। अब बात कर ले फ्रंट कैमरा की, तो दोनों में सेम डिजाइन देखने को मिल जाता है, 12 पंच होल। Oneplus नोट में आपको 32+8 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जो कि एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है और एक आपको नॉर्मल सेंसर देखने को मिलता है 32 मेगापिक्सल का सोनी वाला। सेम एज जिस फोन की मैं बात कर रहा हूँ इसमें आपको 16+8 मेगापिक्सल का जो है कैमरा सेंसर देखने को मिल जाते हैं। 16 मेगापिक्सल का ये भी सोनी का सेंसर है, बट प्लस आपको 8 मेगापिक्सल का जो है ये भी अल्ट्रा वाइड सेंसर है। तो कैमरा के मामले में ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस नंबर्स बड़े हुए हैं Oneplus नोट में, उसमें 32 का देखने को मिलता है। पिक्चर क्वालिटी मैं बताऊँ इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, आपको सेम एज पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल जाएगी, कोई इतना खास आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा दोनों में, क्योंकि सेंसर ऑलमोस्ट सेल्फीज वाले अभी तक कोई इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है उनमें सब में। 16 का अगर आप देखेंगे और 12 का देखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल पिक्सल फोन में आता है, तो वो भी ऑलमोस्ट सब सेम ही होते हैं, बट उसकी जो प्रोसेसिंग होती है ना मेन सॉफ्टवेयर की, उसमें डिफरेंस मिलता है, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा कुछ में कलर पॉप आपको देखने को मिलता है, कुछ और डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये होगी कैमरा की बात। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेसिफिकेशन है और सिमिलर ही आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे इन दोनों फोन्स के कैमराज में। अब दोस्तों बात तो अब दोनों फ़ोन की एक वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि है इनका प्रोसेसर। वो आपको Oneplus नोट में स्नैपड्रैगन का 765G देखने को मिलता है, जो कि एड्रिनो के 620 GPU के साथ कंबाइंड है। इसके जो एंटीटू स्कोर है दोस्तों वो 3,25,000 के आसपास हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया स्कोर है, जिससे आपके गेम्स वगैरह काफ़ी अच्छे इसमें स्मूथली रन हो सकते हैं और आपकी ऐप्स लॉन्च वगैरह टाइमिंग काफ़ी बढ़िया होगी। इसमें आपको 6 GB की रैम देखने को मिल जाती है, जो कि LPDDR6 रैम है और LPDDR4 वाली रैम है, और प्लस 64 GB की आपको UFS 2.1 वाली स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी फास्ट स्टोरेज और रैम आपको देखने को मिल जाती है, प्रोसेसर भी काफ़ी बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं दूसरे फ़ोन की कि उसमें आपको क्या प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसमें स्नैपड्रैगन 720G आपको देखने को मिलता है, एड्रिनो का 618 GPU आपको देखने को मिलता है इसमें कंबाइंड, और इसके जो एंटीटू स्कोर है वो 2,85,000 के आसपास है। और इसमें अभी आपको सेम 6 GB की रैम देखने को मिल जाती है, जो कि LPDDR4 वाली रैम है, और इसमें आपको 64 GB की UFS 2.1 वाली स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो सेम एज उसके जैसे ही है लगभग स्पेसिफिकेशन, लेकिन आप सोच रहे होंगे CPU में तो आपको डिफरेंस लग रहा होगा,
लेकिन दोस्तों अगर आप इसके इंटरनली जाएंगे तो इसकी जो कोर्स हैं सीपीयू की वो सेम है जो कि वन प्लस नोड में है, और इसकी भी दोनों प्रोसेसर की कोर्स हैं वो सेम है, वो है क्रायो की 475 कोर्स जो कि 2.3 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड है इस दूसरे फ़ोन में और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड है आपके स्नैपड्रैगन 765 वाले फ़ोन में, यानी कि वन प्लस नोड वाले फ़ोन में। तो दोस्तों बहुत स्लाइटली सा डिफरेंस है और बस जीपीयू थोड़ा उसमें बेटर मिल जाता है, मे बी 15-20% उसकी परफॉर्मेंस बूस्ट है जिसके कारण उसका नाम स्नैपड्रैगन जो 765 है उसमें आपको 620 जो जीपीयू दिया गया है तो उसकी बस आपको 15-20% परफॉर्मेंस ज़्यादा देखने को मिल जाती है, जिसके कारण आपको जो इसका एंटूटू बेंचमार्क का जो डिफरेंस 40,000 का वो देखने को मिलता है अप्रोक्स, तो यही कारण है। लेकिन जो अगर आप इनको डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे दोनों फोन को तो आपको परफॉर्मेंस में इतना कोई मेजर डिफरेंस आप उसको जज नहीं कर पाएंगे, अगर आप दोनों फोन को एक साथ कंपेयर करें उनको एक साथ बैठ के यूज करें तो इतना ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, ये सब पेपर पे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, बट इसमें अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देंगे तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको नेमिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है प्रोसेसर की बस स्लाइटली। जैसे कि आपको पता होगा जब रेडमी नोट 7 और रियलमी 3 प्रो आए थे तो उसमें आपको 710 और 675 में काफी उसका कॉन्ट्रोवर्सी चली थी, सेम एज वही आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, इतना ज्यादा कोई इसमें खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, तो ऑलमोस्ट इसके मामले में भी ये दोनों फोन सिमिलर हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम डिस्प्ले की, वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जिसके साथ आप दिन भर इंटरेक्ट करते हैं, तो आपको जो वन प्लस नोड में डिस्प्ले देखने को मिलती है दोस्तों वो 90 हर्ट्ज का पैनल है, 6.4 इंच की डिस्प्ले है और एमोलेड टेक्नोलॉजी के साथ ये डिस्प्ले आती है, वेयर एज दूसरे फ़ोन की बात करें इसमें आपको 6.6 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 90 हर्ट्ज के पैनल के साथ ही आती है, बट ये IPS पैनल है तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एमोलेड पैनल हाँ बेहतर होते हैं बट इसके जो प्राइस को देखते हुए ये वहाँ पर जस्टिफाई करता है 6.6 इंच का, इसमें भी आपको 90 हर्ट्ज कॉमन देखने को मिल जाता है दोनों फोन में तो ये काफ़ी बढ़िया बात है, बट डिफरेंस इतना सा है कि जो वन प्लस नोट है उसमें आपको एमोलेड देखने को मिलता है, इसमें आपको IPS देखने को मिलता है, बाकी जो रिफ्रेश रेट वगैरह है वो सेम देखने को मिल जाता है, स्क्रीन साइज भी ऑलमोस्ट सिमिलर है 6.4 इंच वन प्लस नोट का और 6.6 इंच दूसरे वाले फोन। बात करें अब हम इन दोनों फोन्स की बैटरी को लेकर तो आपको वन प्लस नोड में 4,115 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, वेयर एज बात करें दूसरे फ़ोन की उसमें आपको 4,300 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा 4,300 mAh की बैटरी है तो काफ़ी बड़ी बैटरी है या फिर इससे ज़्यादा बैटरी लाइफ होगी, क्योंकि मुझे पता है इसमें ऑलमोस्ट आपको सिमिलर से ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा वो सॉफ्टवेयर की ट्यूनिंग में फ़र्क हो जाता है और आपके डेली पैटर्न के यूजेस पे और डिफरेंट चीज़ें मैटर करती हैं तो इसमें इतना खास आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, तो दोनों की बैटरी लाइफ भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। बात करें इनकी चार्जिंग स्पीड की तो जो वन प्लस नोट है उसमें आपको वॉक चार्जिंग देखने को मिल जाती है 30 वॉट की, वेयर एज सिमिलर चार्जिंग आपको यहां पर भी देखने को मिलती है वो 30 वॉट की वॉक चार्जिंग है, दोनों की टेक्नोलॉजी सेम है, एकदम सेम है, 5 वोल्ट जो 6 एम्पियर पर काम करते हैं दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस खाली इनके जो क्या बोलते हैं नेमिंग का डिफरेंट है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, तो ये भी यहाँ पर भी दोनों सिमिलर आपको देखने को मिलते हैं फ़ोन। अब बात कर लें दोस्तों बाकी चीज़ों की, कुछ चीज़ें जो बची हुई हैं ब्लूटूथ की बात करें तो इसमें भी 5.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है नोड में, दूसरे वाले फ़ोन में आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, वाईफाई वगैरह दोनों फ़ोन में आपको देखने को मिल जाता है, हॉटस्पॉट ये सब बेसिक चीज़ें तो आपको देखने को मिली जाती हैं, दोनों फ़ोन ड्यूअल 4G सपोर्ट करते हैं, ये सब चीज़ें आपको बेसिक दोनों फ़ोन में ऑलमोस्ट सब सिमिलर ही हैं। अब बात कर लें हम इनके सॉफ्टवेयर को लेकर तो वन प्लस में आपको ऑक्सीजन OS मिलता है जो कि एंड्रॉयड 10 के सपोर्ट के साथ आता है, एंड्रॉयड 10 इसमें प्री इंस्टॉल है, और जो दूसरा वाला फ़ोन है इसमें भी आपको एंड्रॉयड 10 देखने को मिलता है, ऊपर से जो इसका UI है वो देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अभी तक आपने शायद गैस कर लिया होगा, अगर आप थोड़ा बहुत भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखते हैं मोबाइल फ़ोन्स की खबर रखते हैं, मैं जो बात कर रहा था फ़ोन की वो है रियलमी का 6 प्रो, वन प्लस नोट के साथ कंपेयर कर रहा था मैं रियलमी के 6 प्रो को, काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, इसमें आपको रियलमी UI देखने को मिलता है, रियलमी UI दोस्तों मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ अभी पिछले कुछ टाइम से, काफ़ी बढ़िया UI है मैंने देखा MIUI के कंपैरिजन में, ये भी ऑलमोस्ट इसमें जो परफॉर्मेंस है आपको एनिमेशन स्पीड है वो ऑलमोस्ट ऑक्सीजन OS के जैसी ही देखने को मिलती है, मतलब मेरे को तो काफ़ी सही लगा, बट हाँ थोड़ा इसमें ब्लॉटवेयर वगैरह है वो सबको आप मैनेज कर सकते हैं किसी तरीके से तो ADB सेल से या फिर किसी जैसे रिलेट कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी परफॉर्मेंस के मामले में कोई कमी नहीं है इसमें दोस्तों जो रियलमी की UI है, तो दोनों में आपको एंड्रॉयड 10 देखने को मिलता है एंड्रॉयड का, तो काफ़ी बढ़िया बात है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पर दोनों फ़ोन रन कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इनकी प्राइस की, तो जैसे कि आपको बताया वन प्लस का जो नॉर्मल वाला वेरिएंट है वो आपको 25,000 के आसपास से स्टार्ट होता है, 25,000 की प्राइस है, और जो इसका जो वेरिएंट है रियलमी 6 प्रो जिसका आपको देखने को मिल जाता है 18,000 रुपये में 6 प्लस 64 वाला,
तो दोस्तों इसमें आपको लगभग 7,000 का प्राइस डिफरेंस है। दोस्तों मैंने इसके बारे में ये कंपैरिजन वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं, आपको एक बेसिक फोन चाहिए या फिर आपका बजट टाइट है, आपको वन प्लस के जैसा दिखने वाला और उसके जैसे स्पेसिफिकेशन वाला फोन चाहिए, तो अगर आपके बजट 18-19 हज़ार है तो आप रियलमी 6 प्रो को कंसिडर कर सकते हैं। आपने जैसे कि वीडियो में देख ही लिया होगा, स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, इसमें कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस हाँ, ब्रांडिंग पे का अगर आपको फर्क पड़ता है कि मुझे तो वन प्लस के फोन चाहिए, वन प्लस रियलमी 6 प्रो को भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको पैसे आपके वेस्ट नहीं हो रहे हैं कहीं भी, ऑलमोस्ट बच ही रहे हैं अगर आप इसको भी लेते हैं, तो कोई ऐसा डिफरेंस इनमें मेजर है नहीं। तो यही है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपने इसको गैस कर लिया तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू।